एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है अभी तो फिलहाल, और इंडस्ट्री में समय समय पे नया ट्रेंड शुरू होना ज़रूरी है। कब कौन सा रास्ता सही रास्ते में चला जाए, कौन सा दिशा पता नहीं चलता, तो इंडस्ट्री अभी भटकाव में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जाएँ कहाँ, किस कैसी फिल्में बनाई जाए, क्या रास्ता उसका अपनाया जाए, क्योंकि जो स्थिति है सिनेमा रिलीज़ हो रही है तो उसका किसी भी फिल्म का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने मिलकर एक नई पहल शुरू की है कि एक कॉमेडी पिक्चर और एक नया छोटे बजट्स में एक अच्छी कॉन्सेप्ट से काम कैसे की जाए। तो इसके लिए बधाई है कि एक नया प्रचलन इन्होंने शुरू किया, और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये रास्ता इनका सक्सेस हो। जैसा कि चंद्र जी ने कहा कि सही बात है कि अभी जो स्थिति चल रही है थोड़ा डामाडोल है मामला, तो उसी में हम लोग एक नई टेक्निक मतलब नया प्लान लेके आए कि जो छोटे प्रोड्यूसर हैं हमारे कैसे जिंदा रहें। उनके लिए हम लोग एक कॉमेडी कॉन्सेप्ट, हम और चंदन भाई एक दिन बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे कि छोटे प्रोड्यूसर भी कुछ सर्वाइव करें। तो बोला चलिए जी, एक एक तो टोटल हीरो हैं, जितने कॉमेडियन हैं वो हीरो बेसिकली होते ही दूल्हा चोर में, तो वो खुद हीरो हैं, उसमें किसी की जरूरत नहीं है। एक भ्रष्टाचार है, आप देख रहे हैं मौनी में दूल्हा लेके घूम रहे हैं क्योंकि वो बेचारे दूल्हे ही हैं, मोर तो लगा नहीं से लेके आठ तक जी 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 हाँ। हर ब्रांड के दूल्हे उपलब्ध हैं दूल्हा चोर पे। आप कितने बिकने वाले हैं जी? अभी तो नीलामी बाकी है। एक्चुअली ये दूल्हा लेके भागने वाले हैं, नीलामी इनकी नहीं होनी है। अब ये तो मेरे बाप से पूछना पड़ेगा, बापू कहाँ गया? सबसे पहले तो दहेज जो है वो कानूनन अपराध है। नहीं नहीं, तो दहेज के खिलाफ रहिए, दहेज के साथ बात करने की जरूरत है। अगर आपके संजय जी की शादी हुई है अभी, आपने कितना दहेज लिया बताइए? हमने दहेज दिया है। हाँ, तो बस ये परंपरा शुरू होनी चाहिए कल से फिर। अच्छा। अगर आपने दहेज दिया है तो हमने एक दुल्हन को होटल खरीद दिया है। और क्या चाहिए, बिजनेस करा दिया महाराज। बताइए चंदन, चलिए आप तो कराते हैं, बहुत कुछ लिया, अपना बताइए कि शादी कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी, जैसा सबकी रहती है। अच्छा अच्छा, अपने लाइफ से? हाँ हाँ, खुश क्यों नहीं है। नाम जरूरी है क्या? गोपनीय रखते हैं, मालूम चलेगा आधे लोग सर्च करना शुरू कर दिए फेसबुक पे। चंदन जी भी एक फिल्म मुहूर्त कर रहे हैं और हम ही को लेके कर रहे हैं। पिक्चर का क्या नाम है सर? देखते हैं अभी पिक्चर पे हम लोग। नहीं 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 नहीं, फिल्म के लिए थोड़ा अभी उस फिल्म पे विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है, क्योंकि जब इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है तो उस ट्रेंड में आने के लिए बेस्ट देना पड़ेगा अपना, तो उस बेस्ट का इंतजार है कि वो बेस्ट टाइटल कौन सा होगा और उसके हिसाब से इन लोगों के ऊपर जो कॉन्सेप्ट बनाया जाए वो बेस्ट क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर वही लोग बोले कि यार ट्रेंड सेट करने चले थे और जो बाकी लोग बनाते हैं वही आपने भी बनाना शुरू कर दिया। तो इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम लिया है, इनके प्रोड्यूसर ने भी बोला मुझे, संजय भाई ने भी बोला कि एक फिल्म डायरेक्ट करना है मुझे, तो ये अच्छी बात है कि आपने मुझ पर विश्वास किया। तो उस विश्वास को कायम रखने के लिए और उस पर खड़ा उतरने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और इसीलिए मैंने वो टाइम लिया है कि मेरा नाम अभी अनाउंस मत करिए फिल्म डायरेक्ट करने के लिए। मैं फिल्म बनाऊंगा बट वो समथिंग स्पेशल होगा, जिस दिन लगेगा कि कम बजट में एक समथिंग स्पेशल फिल्म बनाई जा सकती है, जो जिस दिशा में आप लोग बढ़ने का कोशिश कर रहे हो उस रास्ते में मैं एक कदम बढ़ा सकता हूँ, तो इस वजह से मैंने इनको इंतजार करने के लिए बोला और मैं फिल्म डायरेक्ट करूँगा। यही शुभकामना दे रहा है कि बहुत अच्छी सोच है और जो इन लोगों ने एक प्लानिंग किया है, हर प्रोजेक्ट के पीछे एक प्लानिंग होती है किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, चाहे वो छोटा प्लेटफॉर्म हो या बड़ा प्लेटफॉर्म हो, एक उसका दायरा होता है और उसका एक रूल्स रेगुलेशन होता है, तो प्लानिंग जो इन लोगों ने की है वो बहुत अच्छा किया है, और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि ये प्लानिंग जिस तरह से इन लोगों ने किया है वो सक्सेस हो और सिनेमा कमा के आए, ताकि लोग भी बनाना शुरू करें उस ट्रेंड पे काम करके, फिर सिर्फ फेस देख के काम ना करें कि इसकी फिल्में चलती है या इसकी फिल्में नहीं चलती है। सब्जेक्ट हमेशा सिनेमा का आधार रहा है, सिनेमा हमेशा जो भी चला है वो सब्जेक्ट के आधार ही चला है, और मैंने अभी दो तीन दिन पहले इंटरव्यू में भी बोला था कि कहीं ना कहीं हम डायरेक्टर्स जो हैं, हम चूँकि मैं भी उसी बिरादरी से हूँ, और हम डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं अपनी गरिमा खुद ही ख़राब करके रखे हैं। हम लोगों ने फिल्मों पर ध्यान देना बंद कर दिया, हम लोगों जिस चीज़ पे हमको काम करना चाहिए, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो मेकिंग हो, चाहे वो प्रोजेक्ट डिजाइनिंग हो, उस पे हम लोगों ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है और सिर्फ हम लोगों का काम जो है वो सिनेमा कैसे बनेगा उस पे ध्यान देना शुरू किया है, तो वो सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। और इंडस्ट्री को ये मान लेना चाहिए कि हम डायरेक्टर हैं और डायरेक्टरों की जब तक वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू नहीं करेंगे लोग, तब तक सिनेमा नहीं बढ़ सकता है, चाहे वो भोजपुरी सिनेमा हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी सिनेमा हो।
तो डायरेक्टर्स को वैल्यू देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो सिनेमा नहीं आगे बढ़ना है, धीरे धीरे अस्तर उसका जाता रहेगा। और आपकी फिल्म कौन सी रिलीज? मेरी फिल्म अभी बब्बर रिलीज पे है, और अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म बनाई है प्रयागराज, बहुत जल्द मैं टीजर उसका रिलीज करने वाला हूँ, लॉन्च करूँगा तरीके से। तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि आप लोगों को प्रयागराज देखने के बाद लगेगा कि हाँ, आज मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ उस फिल्म को बना के, कि मैंने प्रयागराज जैसी फिल्म डायरेक्ट की है जो बिल्कुल ही अलग दायरे की है। संजय जी, ये कॉमेडी फिल्म है, आप एक कॉमेडियन के रूप में भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने जाते हैं, कौन-कौन कॉमेडियन आपके साथ काम कर रहे हैं? जी, इस फिल्म में के गोस्वामी, धामा वर्मा, अनूप लोटा, सीपी भट्ट। प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या कहते हैं जी? बहुत अच्छे हैं हमारे प्रोड्यूसर जो हैं, हमारे डायरेक्टर भी राम पटेल जी, आज़ाद खान जी, वो हम लोग लेके कुछ प्लान सोच रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि हमेशा सफल रहें। आपका किस तरह इसमें कॉमेडी है, कुछ अलग कुछ लाने वाले हैं? जी, एक बिहार में दूल्हा पकड़ा हुआ एक खेला होता है, बहुत प्रचलन था क्या? हाँ, प्रचलित था बहुत कि वहाँ दूल्हा पकड़ पकड़ के ब्याह किया जाता था। हाँ, आते रहते उसी बेस पे ये कहानी है। हाँ, पकड़ा हुआ दूल्हा एक्चुअली वो होता उसी है, ये बेस कहानी है। और उसमें सबसे बड़ा जो वो है, देखिए अभी संजय भाई भी शायद पकड़ा के शादी वादी इनकी पकड़ पकड़ के की गई है। दूसरा चीज ये कि उसमें जितने क्रिमिनल्स टाइप के लोग होते थे ना, उन लोगों की ज्यादा शादियाँ पकड़ा के होती थी, उन लोगों को पकड़ के लाया जाता था, उनकी जबरदस्ती शादी की जाती थी। तो आप तो वो क्रिमिनल वाला नहीं? नहीं नहीं नहीं। ओके, ठीक है। हर हर महादेव। मैं सभी जनता जनार्दन और अपनी मीडिया को तहे दिल से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज दो फिल्मों का मुहूर्त हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है कि आज़ाद जी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके संजू जी डायरेक्टर हैं और राम पटेल जी डायरेक्टर हैं। ये लोग बहुत ही अच्छे और उम्दा किस्म के डायरेक्टर हैं, और मैं चाहूँगा कि फिल्म बहुत अच्छी बने और अच्छी चले। महादेव कॉमेडी है और दूसरा टाइटल ही अलग है, दूल्हा चोर है जी। इस तरह का सब्जेक्ट कैसा लगेगा? ये भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अनूठा सब्जेक्ट है, और आज के डेट में वही फिल्में चलेंगी जो सब्जेक्ट वाइज होगी, जिसका सब्जेक्ट अच्छा होगा, जो फिल्में अच्छे सब्जेक्ट होंगे वो फिल्में चलेंगी। अब वो बहुत हो गया, एक ठाकुर को आया घोड़े पर चढ़ के और ये सारा चीज़ें, ठाकुर की बेटी बहन हीरो उठा ले गया, अब ये सब चीज़ें हो गया, बहुत देख लिए लोग, अब उनको सब्जेक्ट चाहिए, जनता को एंटरटेनमेंट चाहिए, कॉमेडी चाहिए, तब जाके पब्लिक पसंद करती। आपका सपना पूरा हुआ कि नहीं अभी तक? जैसे कि हर आदमी कुछ अलग तरह के करेक्टर सोचता है, मिलता नहीं? नहीं सर, अभी तक तो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ है, बस प्रोड्यूसर डायरेक्टर और आप मीडिया वालों का सहयोग रहेगा तो शायद हो जाए पूरा। लेकिन मैं हर तरह का रोल करना पसंद करता हूं सर, और सर मेरा सपना तो शायद मरते दम तक पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं हर तरीके का अलग अलग किरदार करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मरते दम तक एक से एक किरदार निभाऊं, और मेरी चाहत कभी ख़त्म नहीं होगी सर। जरूर कहूँगा, आज़ाद जी बहुत अच्छे हैं, फिल्म बना रहे हैं, हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, यंग डायरेक्टर हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं इनके साथ हो और फिल्म जो है खूब तरक्की करे। आज़ाद जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। पहले तो हम आप लोगों से मतलब नमस्कार करते हैं। नहाना धोना तो हमेशा लगा रहता है, और क्या कहेंगे? बस हम भी नई सोच लेके आए हैं, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद और पूरे उसका चाहिए। हर अभिनेता को प्रोड्यूसर चाहिए, आपको आप इतने सारे हीरो लेके आए हैं, दूल्हा चोर है, भ्रष्टाचार है, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? दिमाग में यही है, कहते हैं नया कॉन्सेप्ट अगर आए तो लोग मतलब एक वो लेके नई उम्मीदें जगती है उनसे, और अभी तक सारी फिल्में देख रहे हैं कि ऐसा कोई ये फिल्म जा रही है फ्लॉप जा रही है, कोई ये फिल्म फ्लॉप जा रही है, तो इस वजह से एक नया कॉन्सेप्ट कॉमेडी और एक एक्शन मूवी लेके हम उतर रहे हैं, और देखते हैं जो भी होगा अच्छा होगा। अभी तो उमेश जी हैं, संजय पांडे जी हैं, और विजय त्रिपाठी जी हैं, के जी हैं, और ये सारे लोग हैं अभी, बाकी तो सब तक शूट की जाएगी। कहाँ करने वाले हैं? अब ये बिहार में शूट करने का प्लान है, दूल्हा चोर। दारू बंद है? तो दारू नहीं है उसमें, हम दारू नहीं पिलाना है उसमें, दूल्हा चोरी होती है ना, दारू थोड़ी चोरी होती है, दूल्हा चोरी है, दारू चोरी थोड़ी करवाना है भाई।
फिल्म में संजय संजय जी को कॉमेडी ग्रुप में करने वाले हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अब वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और जैसे कहते हैं ना कि एक मित्र को अगर कहते हैं कुछ अच्छा मिले तो बहुत कुछ कर जाए, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, इनको लेके कुछ किया जाए। और कोई रोल खाली है, बदली है? अरे आपके लिए तो पूरी वो खाली है, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं और कोई किरदार खाली हो? किरदार तो अभी खाली है, ऐसा नहीं है कि चार लोगों से पूरी कास्टिंग नहीं हो जाती है, छोटे से लेके बड़ा कास्टिंग मतलब करने में पूरा वो होता है, तो अभी तो पूरा खाली है, चार चार लोगों को फाइनल किया गया है। कब तक शूट करेंगे आप? अब यही मान के चलिए सितंबर तक। और कुछ दर्शकों से कहना चाहते हैं? बस हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग हमके आशीर्वाद दें और अपन प्यार और सब कुछ हमको वो करें। थैंक यू सर। नमस्कार, बढ़िया है। क्या चल रहा है जी? एक हमारी टीम और आजाद जी ने एक विश्वास करके एक बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर मारे हैं, वो दूल्हा चोर, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो सबके साथ मिलकर एक अच्छा मुहूर्त हमने किया, और उम्मीद है कि बड़ी अच्छी एक हम लोग फिल्म बनाएंगे, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जी। दूल्हा चोर टाइटल है, दूल्हा चोर, और दूसरा है हमारे मित्र हैं संजू जी कर रहे हैं भ्रष्टाचार, जो कि बहुत ही उम्दा और अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो दोनों फिल्में हैं जो कि कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग लेके चल रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी चीज़ हम लोग लेके आए मार्केट में जी। और कौन कौन से तो इसमें हैं? संजय वर्मा जी हैं, धामा जी हैं, के गोस्वामी जी हैं, और सीपी भट्ट हैं, जो कि एक टोटल कॉमेडियन लोग हैं, और हमारी कोशिश है कि एक अच्छी कॉमेडी फिल्म बनाए, कहीं ना भोजपुरी में जो एक कॉमेडी फिल्म इस ढंग से नहीं आई है, आई है फिल्में बहुत आई हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग टाइप में कुछ करके एक कॉमेडी फिल्म बनाया जाए। फिल्म की शूटिंग कहाँ करने वाले हैं? फिल्म की शूटिंग तो हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं बिहार में शूटिंग करने के लिए। और फिल्म के गाने किस तरह के? गाने अभी तो हम लोग का गाने तो अच्छे ही होंगे, अभी तो गाने पे काम नहीं चला, अभी राइटिंग चल रही है, प्री प्रोडक्शन चल रहा है, और राइटिंग चली अभी, इसके बाद हम लोग फिर उसके बाद फिर म्यूजिक का काम शुरू करेंगे हम लोग। धामा जी कैसे हैं आप? जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। जी पूरा नहा धोवा कर आया हूँ मैं। फिल्म बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी जरूर बताना चाहेंगे, हमने अब तक 50-55 फिल्में की है, हिंदी भोजपुरी बंगाली मैथिली मिला करके, और ये कॉन्सेप्ट जब हमारे पास आया तो रामजी भाई हो गए, आज़ाद भाई हो गए, संजय हो गए, मैं हो गया, तो एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और एकदम अलग हट करके अभी जिस दौर से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री गुजर रही है, उस हालात को देखते हुए एक अच्छे ठीक ठाक बजट में एक साफ़ सुथरी एक अच्छी कॉमेडी फिल्म कि लोग इंटरटेन कर सकें, और इसके माध्यम से मुझे रामजी भाई पर भरोसा है और कॉन्सेप्ट पे भरोसा है कि इस फिल्म को पहली रिलीज यकीनन मल्टीप्लेक्स में करेंगे। इस फिल्म में के भाई, के गोस्वामी, संजय वर्मा, अनूप तिवारी लोटा, सीपी भट्ट, हम सभी लोग इनके निर्देशन में एक बेहतर फिल्म बनाने का प्रयास करेंगे, जिसके निर्माता आज़ाद भाई हैं, और भी अच्छे अच्छे कलाकार जुटेंगे, और कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी है। फिल्में तो हमेशा करते रहते हैं और कर ही रहे, लेकिन ये फिल्म में इस फिल्म से कुछ अलग हट के करने का है, और उम्मीद है कि कुछ अलग करेंगे और यकीनन अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। जी क्या सही बोल रहे हैं, ऐसा करना है? नहीं नहीं बिल्कुल, हम लोग अच्छा करेंगे, और कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही उम्दा है, तो मुझे विश्वास है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा, और हमारी टीम बैठ के हम लोग राइटिंग अभी शुरू हमने किया, राइटिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इसकी राइटिंग ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाएगी, और इसके बाद हम लोग अभी म्यूजिक पे और लोकेशन रेकी पे आगे की प्रक्रिया हम लोग चालू करेंगे। और फिल्म के जो हीरो है उस पर बताएं? फिल्म में हीरो मेरी कहानी हीरो है, हाँ मेरी कहानी हीरो है, और इसमें जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी दूल्हे आप देख रहे हैं पोस्टर में, दूल्हे देख रहे हैं, वो सभी हीरो हैं, कहीं ना कहीं सभी लोग हीरो हैं, सबकी एक जर्नी है, तो मेरी कहानी बहुत ही खूबसूरत है, और कहानी में सभी कैरेक्टर हीरो हैं। फिल्म के आपकी कौन कौन से रिलीज? मेरी फिल्म अभी एक राधे रंगीला रिलीज होने वाली है, और दूसरी फिल्म मेरी बनके एक तैयार है, पंगेबाज। और कौन कौन से
जो कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है और बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में इसका ट्रेलर आने वाला है और जल्दी आप लोग के नज़दीकी सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। और इसके बारे में प्रोड्यूसर को सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक्स बोल रहा हूँ। आजाद जी ने मुझे विश्वास करके ये कॉन्सेप्ट मैंने उनको सुनाया, उन्होंने विश्वास करके ये कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया। तो हिम्मत की दाद होगी। हाँ, तो उन्होंने हमको मीडियनों को लेकर एक अच्छी फिल्म इनके दिशा निर्देश में बनाने की। जी जी, क्योंकि कॉमेडी ऐसी चीज़ है कि क्योंकि आज भोजपुरी का जो डमाडोल और जो दौर चल रहा है तो उसमें नई चीज़ों करने में बहुत डर लग रहा है लोगों को, तो कहीं ना कहीं वो हिम्मत उनके लिए उनको मैं सल्यूट करता हूँ, उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत करके एक कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया है, तो इसके लिए मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा। हाँ सर, दो बात कही। हाँ जी, कि ये शुरुआत है और आगे आने वाले दिनों में कॉमेडी की 5-6 फिल्मों की श्री गणेश और भी होने जा रही है, जिसके सब अलग अलग डायरेक्टर्स होंगे और अच्छी कहानी, कोशिश यही है कि अच्छी कहानियों पे अच्छे कॉमेडी सब्जेक्ट पे, बहुत सारे हमारे भोजपुरी में कॉमेडियन हैं, सबको ले करके सब। धामा वर्मा का सबसे हिट कॉमेडी डायलॉग कौन सा रहा अभी तक का? ए मैडम, ये लड्डू खाई और हमरा ये बताई कि सुहाग रात के का कहल जाला, सुहाग रात में का कहल जाला। ए फारूक सिद्दीकी साहब के डायरेक्शन में निरहुआ इंटरटेनमेंट की फिल्म थी, प्रेम के रोग भेल। थैंक यू सर। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं भ्रष्टाचार मूवी को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है। आजादी से मैं मिला तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे मिलते ही ये फिल्म ऑफर किया, तो मुझे आजाद जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना पड़ेगा कि मुझे ये मूवी करने के लिए उन्होंने दिया। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि इसमें भ्रष्टाचार मूवी में 3 हीरो हैं, तीनों नए हैं, उमेश जी, बिरजू त्रिपाठी जी और संजय पांडे जी इसमें विलन कर रहे हैं। हमारा कहानी सिर्फ ये है कि बिहार में 3 हीरो हैं जो अलग अलग क्षेत्र से रहते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और उसमें ये तीनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें डिसाइड करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमको कैसे लड़ना है। तो ये तीनों मिल के उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और जो हमारे विलन्स हैं उनके खिलाफ पूरा ये आवाज़ उठाते हैं कि हमको इनका सफाया करना है। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और गांव मेरा जो पड़ता है मैं उत्तराखंड नैनीताल पड़ता है। बाकी इससे पहले मैंने मोहन जी प्रसाद जी के साथ में मैंने शुरुआत की थी पंडित जी बेदाना ब्याह का, वही से अभी तक मेरी असिस्टेंट ने ही मैंने सारी मूवीज़ की हैं। उसके बाद जगदीश शर्मा जी मेरे गुरु जी हैं, वो अभी आए हैं तो अच्छा लगा कि वो आके मुझे यहाँ पे आशीर्वाद देने आए हैं। उनके साथ में कंटिन्यू मैंने काम किया उनके साथ करते हुए, बाकी अभिषेक चड्ढा जी के साथ काफ़ी फिल्में मैंने की हैं। पिछले 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मुश्किल तो होती है क्योंकि काम तो वैसे भी अजय एसोसिएट डायरेक्टर में करता हूँ तो वहाँ पे भी नए पुराने सबके साथ काम करना पड़ता है, तो वो एक्सपीरियंस मुझे मिल चुका है। जी, तो इस बार मेरे ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि मुझे उन तीनों को लेकर साथ में कैसे चलना है, और होप कि जैसे मैं उनसे बात कर चुका हूँ तीनों एक्टरों से, तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और उनसे जो मैं चाहूँगा वो मुझे मिलेगा। कौन कौन हीरो का नाम बताएंगे? हमारे इसमें एक हीरो हैं अकरम और एक नीलेश आनंद और एक हमारे हीरो हैं विकी, ये तीनों मिलकर हमारे साथ में एकदम फ्रेश हैं, फर्स्ट टाइम ही तीनों एज ए हीरो काम कर रहे हैं। अभी तो हम इसके स्क्रिप्टिंग में बैठे हैं, स्क्रिप्ट जो है उसका हो चुका है लेकिन दोबारा से हम उस पर बैठ के काम करेंगे क्योंकि बारिश का टाइम हमारे पास है, तो बारिश में हम चाहेंगे कि थोड़ी सी भी जो कमियां हैं वो निकल जाएं स्टोरी में से, फिर उसके बाद हम उसका बाकी की कास्टिंग भी करनी है तो वो भी करेंगे। मेरा नाम नीलेश आनंद है और मैं पटना से हूँ। बस यही कहना चाहूँगा कि नई जर्नी है, नई शुरुआत है और सर ने पहले ही फिल्म में मेरे को एक, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार, मतलब फर्स्ट फिल्म ही फुल्ली एक्शन, तो बस कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट से बेस्ट कर पाऊं मैं। और क्या कहूँ, इसमें मेरा किरदार एक कॉलेज बॉय का है, इसमें मैं कॉलेज बॉय हूं और मतलब मेरे अंदर एक आग सा है, मतलब भ्रष्टाचार जो चल रहा है अभी उसके खिलाफ हूँ मैं इसमें। हाँ, बहुत 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 सपोर्टिंग, इसीलिए तो मतलब कहते हैं ना, काम तो करना ही है जब इंडस्ट्री में आया हो, तो साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेनली तो ये है। और भोजपुरी फिल्म में किसी हीरो का आपने देखा है? हाँ, देखता ही आ रहा हूँ, जैसे पवन सिंह जी हो गए, खिसाड़ी जी हो गए, दिनेश लाल जी हो गए और भी बहुत सारे। कैसे
खास बोले तो स्पेशल ये है कि सबसे पहले तो खुद का कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ मेनली टैलेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ कॉन्फिडेंस रहेगा तो भी काम नहीं कर पाएंगे हम, टैलेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यही देखता हूँ कि हर किसी में एक अलग खूबी है, तो बस खुद के अंदर भी कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ शायद पब्लिक एक्सेप्ट करे, मेहनत तो पूरी करूँगा। एक्चुअली मुझे अपने अपने जगह पर सब अच्छे लगते हैं, एज ए एक्टर बोले तो मैंने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, अपने अपने जगह पे मुझे सब अच्छे लगते हैं, और क्योंकि सब में अपना अपना एक अलग अलग खासियत है। और मुझे गाने भी तीनों के पसंद हैं, खिसारी जी का भी टेस्ट बिल्कुल अपना अलग ही है, पवन जी का टेस्ट बिल्कुल अलग है। तो दिनेश, मैं पटना कंकड़बाग से हूँ। मे भी दामाद जी, हाँ, और उसके बाद ससुरा बड़ा पैसा वाला, उसके बाद देखते ही आ रहा हूँ क्योंकि मैं फिल्म का बहुत बड़ा कीड़ा था, और वही रीज़न भी है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। लेटेस्ट बोले तो अभी तो ऐसा टाइम मिला नहीं कि देखने को जाऊँ, सोचा था ये काशी विश्वनाथ देखने जाऊँ, पर बस यही प्रोजेक्ट के चक्कर में कहीं जा नहीं पाया, तो बस अभी देख नहीं पाया हूँ। ओके, थैंक यू जी, धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूं और बहुत अच्छे मौके पर यहां आया हूं। संजू डायरेक्टर बन गया, बहुत खुशी हुई। मेरे साथ में इन्होंने बहुत फिल्में की है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है। डायरेक्टर का आधा से ज़्यादा बोझ यही उतार देता है, और भगवान करे इसको बहुत सफलता मिले। मेरी ओर से और भगवान की तरफ से निवेदन है मेरा सबसे कि एक कामयाब निर्देशक बन के सामने आए। बहुत टैलेंट है इस बच्चे के अंदर, बहुत भरोसा। मेरी नियरली मैंने 15-16 फिल्में किया, सब फिल्मों में ये रहता था। कोई ऐसी फिल्म में जहाँ नहीं, किसी की भी शूटिंग को छोड़ के आ जाता था। तो ये तो क्या है, थोड़ा मेरे ख्याल से डायरेक्टर बनने में थोड़ी देर हो गई, इसको बहुत पहले डायरेक्टर बन जाना चाहिए था। डायरेक्टर की सारी खूबियाँ इसके अंदर है जी। मैं आज सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, और सर होते हैं तो वो उनके आगे वैसे ही कुछ नहीं बोल पाता हूँ। मैंने एक्चुअली अपनी शुरुआती सर के साथ में की है काम की, और इनके साथ में मैंने सर के डांट खाते हुए कुछ भी करते हुए बहुत कुछ सीखा है सर के साथ में। मैंने सर को बोला तो सर एक आवाज़ में मेरे लिए आ गए, बोले कि तुम अगर डायरेक्टर हो तो मैं आता हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप नहीं आएंगे तो आपके बिना मेरा ये अधूरा हो जाएगा, पहला फिल्म मुझे मिला है। तो मैं सर के बारे में क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्टर बनने के बाद भी अगर सर मुझे बुलाएंगे तो मैं इनकी एक आवाज़ पे मैं कुछ भी काम मैं कर रहा हूँ वो छोड़ के मैं आ सकता हूँ। बॉलीवुड से भोजपुरी में आए, आप तो भोजपुरी से बॉलीवुड तक पहुँचना है जी, क्या कुछ सीखा है, कुछ बताएंगे? सर के साथ में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैंने सर के साथ में काम को किस तरह से मैनेज करना चाहिए वो मैंने बहुत अच्छे से देखा है, क्योंकि सर के काम को बहुत बारीकी से देखता था। जब कोई भी शॉट सर लेते थे, किसी से कुछ भी बात करते थे, और सर का तो बेशक भोजपुरी कर रहे हैं लेकिन सर की टेकिंग तो हिंदी वाली ही है, क्योंकि सर हिंदी से भोजपुरी में आए हैं, तो मुझे और ईजी हो जाएगा अगर मुझे हिंदी में कुछ करने को मिलता है तो। होगा होगा, ज़रूर होगा, भोजपुरी से हिंदी में ज़रूर पहुँचेंगे। मेहनत इनकी रंग लाएगी क्योंकि बहुत मेहनती है, और जो इनमें टैलेंट है इनको जरूर बहुत ऊपर तक ले जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है इन सबको। थैंक यू सर। और क्या चल रहा है आपके लाइफ में, कौन से फिल्म बनाने वाले हैं? मेरी दिनेश जी और रवि किशन को लेके एक फिल्म आने वाली है, बस उसी की तैयारी चल रही है, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। काफी लंबा गैप गैप हो गया क्या? हाँ, क्या हो गया कि मेरी स्टार्ट होने वाली थी लेकिन इलेक्शन आ गया और दोनों हीरो मेरे इलेक्शन में खड़े हो गए, इसलिए मेरी डेटें सारी आगे पीछे ऊपर नीचे हो गई। इतना मुश्किल होने वाला है इस बार दोनों हीरो? नहीं, मुश्किल नहीं, बहुत मैंने दोनों के साथ काम किया है, बहुत मेहनती है, दोनों बहुत अच्छे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा शेड्यूल इतना अच्छा बनता है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं आता। पहले से बहुत कुछ बदल गया है, तो थोड़ा सा हम भी बदल जाएंगे, जो बदला है तो हम भी बदलेंगे उनके साथ। हालांकि रवि किशन तो बचपन से मेरे साथ में था, हमारे यहीं रहता था बांद्रा में, मेरा पड़ोसी था वो, तो बचपन से उसको देखते आ रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। पेपर दूध मारते थे उस टाइम से आपके साथ है? बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी के बारे में कुछ बधाई दे? रवि नहीं, रवि जी को बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि वो पॉलिटिक्स उनके अंदर बहुत पहले से थी, राजनीति थी, और उनको अच्छा मिनिस्टर भी बन जाना चाहिए।
बॉलीवुड हिंदी गुजराती मराठी बहुत सारे लड़के डेली नए हीरो बनने के लिए आते हैं, रवि किशन से क्या कुछ उन लोगों को सीख लेनी चाहिए? मेहनत, मेहनत जो करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। एक आदमी जब मेहनत करेगा ना तो उसका फल जरूर मिलेगा, मेहनत के सिवाय कुछ नहीं। हमारी इंडस्ट्री में जितना मेहनत करो उतना फल मिलता है। वो पूरी मेहनत नहीं करते ना, थोड़े में घबरा जाते, सोचते ये रातों रात स्टार बन जाएंगे, रातों रात स्टार नहीं बनते। रवि जी ने बहुत पापड़ बेले हैं तब जाकर आज वो इस मुकाम पर पहुँचा है। एकदम से वो भी स्टार नहीं बना, आज जो बन गया है वो उसने उसके लिए उसने बहुत मेहनत की। बचपन से मैं उसको देखते आ रहा हूँ, बहुत मेहनती लड़का है। तो वो मेहनत बढ़िया भैया, बढ़िया। सबसे पहले तो आप लोग के चैनल से जो भी हमारे भोजपुरी दर्शक चाचा बहन माई काका जो भी सुना था सबके हाथ जोड़ के पहले पढ़ाऊंगा। आज हमने के संजय भैया के आशीर्वाद से दो फिल्म के मुहूर्त पर दुल्हा चोर और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के मायने ही आप लोग समझ गए लोग कि भ्रष्टाचार मतलब का हुआ, और दुल्हा चोर के भी मायने आपके टाइटल के हिसाब से पता चलता का हुआ। जी भैया, ये भ्रष्टाचार में मेन करेक्टर बा हमार, और भ्रष्टाचार में हमार एक ठो सेवक के रूप में बा, मंत्री के लड़का के रूप में सेवक के रूप में बा, जहाँ तक हम कितना बताल बा। बाकी स्क्रिप्ट हमके पूरा नहीं पता। बाकी क्या कुछ सपना लेके आए, भोजपुरी में करना है, बॉलीवुड करना है? देखिए, हम अगर भोजपुरी में आर्टिस्ट बानी तो भोजपुरी लेके आए, नहीं कि हम भोजपुरी में कुछ करब। आप लोग आशीर्वाद रहे तो जरूर कुछ हुई। कहाँ के रहे बताओ? गोरखपुर, यूपी। जी भैया, इस समय हमारे यहाँ के सांसद बनी, और भैया बहुत मेहनत कर ली, आज वहाँ के गोरखपुर के सांसद बनी। भैया वो तो सबके अच्छा लगे, हमरो अच्छा लगा था। क्या मैडम सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं आपके बगल में जो बैठे हुए हीरो साहब? मुझे क्या पता, यही जानेंगे। आपकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू इसके लिए, इनका थैंक यू सो मच। आप अच्छा, जितने सारे मीडिया वाले आए उनको भी थैंक यू सो मच। फिल्म के प्रोड्यूसर को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छा है सर ने, सर मूवी का निर्माण कर रहे हैं जो अच्छी मूवी है। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं फिल्म के कुछ स्क्रिप्ट वगैरह। आप कहाँ की रहने वाली हो, फिल्मों में क्यों काम करना चाहती हैं? मैं बिहार के एक छोटे से शहर सासाराम से हूँ, जो रोहतास जिले में पड़ती है, और वहाँ ज़्यादातर हमारी भोजपुरी लैंग्वेज ही वहाँ पे मानी जाती है, इसलिए मैंने भोजपुरी से मतलब डेब्यू करना चाहती हूँ। मैं वैसे जितने भी हमारे इंडिया में लैंग्वेज है, मैं हर लैंग्वेज में काम करना चाहती हूँ। कौन-कौन सा फिल्म आपने किया अभी तक? इससे पहले मैंने 3 मूवी किया है, जलीट, राज यादव और अविनाश शाही जी के साथ, मिलके ना होंगे जुदा, चोरों की बारात, साथी। चोरों की बारात और मिलके होंगे ना जुदा। हाँ, और साथी नहीं, 3 मूवी है। अब पता नहीं रियल लाइफ में तो नहीं, बट रियल लाइफ में तो हो रही है। पर्दे के पीछे करना है, आगे अभी मैंने सोचा नहीं है। सासाराम के दर्शकों कुछ कहेंगे? हाँ, यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मतलब सासाराम से जाऊँगी तो सासाराम का नाम रोशन होगा। आप लोग ऐसी प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, सासाराम के जितने भी हमारी यूपी बिहार झारखंड के लोग हैं, सब लोग मुझे प्यार दे, आशीर्वाद दे कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ। किस तरह की भूमिका ज़्यादा करना पसंद करती हैं? मैं हर टाइप का रोल प्ले करना चाहती हूँ। हाँ, पाखी हेंगड़े जी को मुझे उनका फिटनेस बहुत अच्छा लगता है, वो हर टाइप का कैरेक्टर करती हैं और बहुत अच्छी नेचर वाइज भी हैं, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। और डायरेक्टर का कुछ कहेंगे? हाँ सर ने मुझे भरोसा करके यहाँ पे बुलाया, उसके लिए मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। क्या हो, कहाँ चल बा? ठीक बा, बगल में हीरोइन बैठा ली है, मजा आता है? बगल में लड़की हो तो किसको मजा नहीं आएगा, बगल में लड़की हो तो किसको नहीं मजा आएगा? और लड़की है, बहुत लीडर लड़की है। तो आप लोग कहाँ जाओगे? क्या लड़की है? बहुत लीडर लड़की है। कुछ कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे सर, आपकी दो फिल्मों का मुहूर्त हो रहा है। हाँ, हमारी दो फिल्मों का आज मुहूर्त है, और बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोग ने इतनी बारिश में टाइम निकाल कर आया, आप लोग का सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज ये हमारे जो है कि ये बैनर से मैं तो पहले से जुड़ा हूँ, आपको पता है, पहले भी मैं आपको इंटरव्यू दे चुका हूँ, और बहुत
अच्छी बात यह है कि ये दो सब्जेक्ट बहुत अच्छा अच्छा लेके चल रहे हैं, और जैसे कि मैं भ्रष्टाचार में आप देख ही रहे हो, मैं भ्रष्टाचार में हूँ, दूल्हा चोर में नहीं हूँ, क्योंकि जो भी ये अच्छा कर रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, भ्रष्टाचार मिटाने वाले हैं सर। हाँ सर जी, अभी तो मेरी एक आई है घायल शेर, बहुत पहले रिलीज हुई थी, गुड्डू रंगीला के साथ मैंने काम किया था, उसमें मेरा मात पिता का आशीर्वाद गाना था, श्रवण कुमार बनाऊ हाथ नहीं है, और उसके बाद मैंने अहिर फिल्म किया है जो कि अभी रिलीज नहीं हो रही है किसी कारण से, और फिर उसके बाद अभी मैं फ़िलहाल में गोंडा में करके आया हूँ दो हिम्मत वाले लीड रोल कर रहा हूँ, और आप लोग के आशीर्वाद से बस ऐसा चलता रहे, छोटा मोटा चलता रहे तो अच्छी बात है। बधाई के मतलब एक ही विश करती हूँ कि अच्छे से फिल्म बने, रिलीज़ हो, लोगों तक पहुँचे। आज के टाइम पे लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है फिल्म, और साथ में एक लालच रहता है कि उनके साथ मैं काम करूँ। राम पटेल सर के साथ मैंने काफ़ी काम कर रही हूँ, बैक टू बैक एक्टिंग मैंने उनके साथ किया है, और संजू जी के साथ भी मैंने काफ़ी, जब वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे तब से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। तो वेरी ऑल द बेस्ट, अच्छे से करें, अच्छे से फिल्म बनाएं, रिलीज़ करें और लोगों तक पहुँचाएँ। अभी तक कितने फिल्म कर चुके हैं? आई थिंक सो मोर देन 200। और कुछ ख्वाहिश जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? सब पूरा हो ही रहा है, मेरे ख्वाहिशें कभी अधूरे नहीं रहते हैं, एज के साथ साथ पूरा हो रहा है। अभी आइटम सॉन्ग में ऑलमोस्ट मेरा इतना हो चुका है कि अब मैं एक्टिंग की तरफ मुड़ चुकी हूँ। रिसेंटली मैंने टीवी सीरियल में भी स्टार्ट कर दिया है, ऑडिशन देना स्टार्ट है कि कब तक भोजपुरी में रहूँगी, तो मूव ऑन स्टार्ट हो चुका है मेरा। भोजपुरी फिल्म में मैं क्या नहीं करूँगी, उन लोगों ने मुझे निकाल दिया है, मुझे खुद ही हटा दिया है। मतलब बस यही बोलूँगी कि हीरो लोग का नज़र मेरे ऊपर पड़े, बाकी लोग का एंगेज है किसी का तो पड़े, ताकि मैं भी कहीं दिखूँ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना टाइम होता है, मैंने भी अपना टाइम दे दिया एज अ आइटम डांसर। अभी मैंने मुझे कोई हीरोइन बनने का शौक नहीं है, अभी क्रेज़ हो गया कैरेक्टर आर्टिस्ट, क्योंकि उम्र ढल रही है, उस हिसाब से कैरेक्टर पकड़ लो तो लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे, बाकियों की तरह 26 का केक नहीं काट सकती मैं। ऑन स्क्रीन हाँ, नॉट ऑफ स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन मैं सिंगल नहीं हूँ। थैंक यू, थैंक यू, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो दिख रहा है पीछे कि मैं भ्रष्टाचार में हूँ, दूल्हा चोर में नहीं हूँ, और अच्छा टाइटल है फिल्म का, टाइटल बहुत अच्छा है, दोनों फिल्मों का टाइटल बहुत अच्छा है। संजू, हाँ, इनके साथ बहुत फिल्में की मैंने, मुन्ना भाई के साथ, उसमें ये असिस्टेंट थे, तो एक अच्छे डायरेक्टर के साथ जब एक असिस्टेंट होता है तो ऑब्वियसली उनका सारे गुण सीख कर निकलता है, और मुझे लगता है कि एक इतने सीनियर और अनुभवी निर्देशक के साथ इन्होंने काम किया है तो ये भोजपुरी को एक अच्छी फिल्म देंगे। देखिए कॉन्सेप्ट तो नाम से ही पता चल रहा है, भ्रष्टाचार करप्शन, तो ऑब्वियसली करप्शन के ही अगेंस्ट है फिल्म, तो उम्मीद है कि फिल्म अच्छी बनेगी और एंटरटेन करेगी ऑडियंस को। नहीं, आजकल मैं अच्छे काम भी कर रहा हूँ, अभी मेरी कोली नंबर वन आई, उसमें अच्छा काम किया मैंने, अब अच्छे बुरे दोनों कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव ग्रे शेड में दोनों किरदार कर रहा हूँ। वैसे तो पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, थोड़ा मार खाने से बच जाते हैं, बहुत मार खाई है, 250 फिल्मों तक पिटे हैं, तो अब लगता है कि अब ना पिटें, अब पीटें किसी को, या पिटते हुए देखें आंखों से, मार खाना किसको अच्छा लगता है, जब तक अच्छा लगा था बहुत मार खाए, अब लगता है कि थोड़ा आराम करें, नए नए बच्चे आ रहे हैं वो मार खाए, हम देखें उनको। मतलब उस दिन तो मैं मंदिर अंदिर होकर आता हूँ, जिस दिन पता चलता है कि आज फाइट है, और खासकर ये पता चल जाए कि हीरो नया है, तब तो दो बार झुक के प्रणाम करता हूँ, और पहले हीरो को लड़ते हुए देखता हूँ कि कैसा लड़ रहा है, पहले वो फाइटर से लड़ता है देखता हूँ, जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ तभी जाता हूँ, क्योंकि बहुत बार घायल हो चुके हैं हम, और ऐसा नहीं, रिस्क तो सबके साथ है, एक्शन अपने आप में रिस्क है, लेकिन जब एक्शन पूरा हो जाता है तो ऐसा लगता है गंगा नहा लिए हम लोग। संजय वर्मा आज भोजपुरी में एक बहुत नामचीन चेहरा है, और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में और बहुत अच्छी फिल्में कर रहे हैं, मेरे सामने ही इनकी शुरुआत हुई,
और आज मैं इनको देख रहा हूँ कि जिस ऊंचाई पर हैं और जितना अच्छा काम कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट भी संजय जी डिज़ाइन करवा रहे हैं, मुझे लगता है कि संजय वर्मा एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बींग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी जी जी, बहुत प्यारी फिल्म है। जानकारी तो उसमें ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, हाँ ये है कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है फिल्म, और उसका भोजपुरी की एक अलग ट्रीटमेंट की फिल्म होगी, जिसे कमर्शियल सिनेमा बनता है तो कमर्शियल, पर ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा क्योंकि रियल स्टोरी है। और मेरा किरदार भी पहली बार संतोष जी की फिल्म में नेगेटिव है। संतोष जी ने जितनी फिल्में बनाई मुझे कभी उन्होंने विलेन नहीं करवाया, मुझसे पॉजिटिव ग्रे शेड करवाया है। फर्स्ट टाइम वो हार्डकोर विलेन करवा रहे हैं, तो मेरे लिए ये भी एक एक्साइटमेंट की बात है। और बहुत बड़ी कास्ट है फिल्म की, दिनेश जी अपने आप में बड़ा स्तंभ है, तो बड़ी मज़ेदार रहेगी। ऐसा लगता नहीं हम सेट पे हैं, ऐसा लगता है कि घर पे ही है या कहीं पिकनिक मनाने निकले हैं दोस्तों के साथ। हाँ, दिनेश जी के साथ तो बहुत पुराना एसोसिएशन है, निरहुआ सीरीज की सारी फिल्में हमने साथ में की हैं, प्लस राजा बाबू, और लगभग 18-19 फिल्में हो चुकी हैं, और इतने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं वो कि मज़ा आता है। बहुत अच्छी फिल्म थी राजा बाबू। राजा बाबू यादगार फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है। हाँ, उसमें भी मेरा बहुत अच्छा किरदार है, तीनों सीरीज में अच्छा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और तीनों में डिफरेंट है। आप नहीं कह सकते, फिल्में अलग अलग हैं और किरदार भी अलग है, और कोशिश की है कि मेरी परफॉर्मेंस भी तीनों में अलग अलग हो। हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, इनसे भी कुछ सवाल किए जाए, कुछ कहिए आप फिल्म को लेकर। मेरी तरफ से शायद फर्स्ट टाइम आप पहली बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्स्ट फिल्म है कि फर्स्ट फिल्म है ये, और कोशिश तो यही जारी रहेगी कि आगे भी कंटिन्यू करें, मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ कि ये फिल्म बहुत अच्छी जाए, और ये जिस अच्छी सोच और एक पॉजिटिव थॉट के तहत आए हैं ये काम चालू रखें, क्योंकि प्रोड्यूसर जब एक सफल फिल्म देता है तो आगे रेगुलर फिल्में बनाता है। आपने कभी भोजपुरी फिल्में देखा है? जी देखा है मैंने, जैसे कई सारे फिल्म देखे हैं पर नाम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? फिल्म बनाने का आइडिया कैसे दिया? आप कहाँ के हैं प्रॉपर? वेस्ट बंगाल का हूँ। वेस्ट बंगाल से? वेस्ट बंगाल से रहने वाला हूँ। तो पहचानते हैं? जी, तो मेरे ही उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने बोल दिया। जी लाखों शुभकामनाएं उनके लिए। उनको तो शुभकामनाएं इन्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी कश्ती तो उन्हीं के हवाले कर दिए। नहीं, अभी तो मैं पिछले 2-1.5 महीने से मुंबई में ही हूँ। मेरी जो फिल्म थी वो यहीं शूट हुई है, जो अभी मैं फिल्म कर रहा था तेरे संग यारा, उसके बाद अभी लखनऊ जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं बीच में गैप होता है, मैं आता हूँ घर पे टाइम देता हूँ, अगर मतलब मैं खुद फैमिली से दूर नहीं रह सकता, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी फिल्में बाहर शूट होती हैं इसलिए हमें जाना पड़ता है। बाकी नहीं तो मेरा भी दिल करता है कि मैं बॉम्बे में ही शूट करूँ, लेकिन हमारा मैक्सिमम आउटडोर होता है, तो वही है, वही हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी वाला हाल है। लगभग कितनी फिल्में रिलीज़ करोगे? मैं ऐसे बता नहीं सकता और नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ नाम भूल जाता हूँ तो मेरे को बहुत फिर शिकायत होती है कि आपने हमारी फिल्म का नाम नहीं लिया इंटरव्यू में। लगभग मेरी जो मैंने डबिंग कर ली 10 फिल्में तो मुझे याद है कि अभी रिलीज किया था। 45 फिल्म पे रिलीज कराए? नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, 45 नहीं होगी, फिर भी 20-25 तो होगी। चलिए यार, वो लैगिंग के था, तो हो सकता है 45 फिल्म होगी फिर। मैं तमाम भोजपुरी के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप जैसे अपना प्यार यूट्यूब पे और टेलीविज़न पे चैनल्स पे दे रहे हैं, वैसे ही अपना प्यार सिनेमा हॉल में दें। फिल्में सिनेमा के लिए बनती हैं, हॉल के लिए बनती हैं, तो वहाँ थोड़ा सा प्यार मुझे लग रहा है आप लोगों का कम हो रहा है, तो भैया बारिश वहाँ करो, बाकी तो हम लोग संभाल लेंगे चैनल और यूट्यूब। So please, Bhojpuri dekhen, Bhojpuri ko sarahen, apna pyar. We are so happy for this movie and congratulations to. जी जी, देखिए हमारे साथ दो हीरोइनें हैं, खूबसूरत चेहरा है, ये मोनिका जी है। जी जी, ये मोनिका जी हैं खूबसूरत चेहरा, और ये संजना जी हैं खूबसूरत चेहरा, इनके बीच में है ये खूबसूरत चेहरा। We are so happy and congratulations to both the director and producer of this movie.
एंड हम चाहते हैं कि मूवी बहुत 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 ही ज़्यादा लाइक नाम कमाए, सो ये कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं संजय जी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं इनके साथ फर्स्ट मेरी मूवी है। दोस्ती तो हमारी खैर बहुत पुरानी है लेकिन इन्होंने हमें उस लाइक समझा और बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और थैंक यू।